आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रहा, सिखाने पे कोई कोशिश नहीं करी, तो ये हाथ का काम करने वाले ढूंढे से नहीं मिले। Legend has it, Shah Jahan cut the hands of the workers that built the Taj Mahal. While everyone appreciates their work, no one knows the names of those artists. हमारे दादा का नाम था मुंशी अब्दुल गनी और उन्होंने अच्छे खिताबत करते थे, अच्छा नाम था उनका। कुरान शरीफ पूरा लिखा था हाथ से खुदाई करके। उस टाइम कुरान शरीफ की मशीनें वगैरह नहीं थी, पत्थर पे खुदाई करके लिखा था। फिर उसके बाद वो सब हिसाब किताब बदल गया था। हमारे वालिद ने उनसे काम सीखा पेंटिंग का। उन्होंने अब्दुल हमीद आर्टिस्ट के नाम से बहुत नाम कमाया, बहुत काम करे। उसके बाद अब इस काम को मैं संभाला हूँ। पुरानी दिल्ली में मैं शकील आर्ट के नाम से मशहूर हूँ और ये मैं खुद चला रही हूँ इसको। मुझे कोई 25-30 साल हो गए इस काम में लगे हुए, क्योंकि मस्जिदों वगैरह में आयतें लिखने जाता हूँ, कुछ मंदिरों के काम भी आ जाते हैं, उनमें भी जाता हूँ मैं, फोटो वगैरह बना देता हूँ, मूर्तियाँ वगैरह सब बना देता हूँ। शकील आर्टिस्ट नो डाउट दिल्ली के फाइनेस्ट डिज़ाइनर्स में से एक, और उनका आर्ट उनके हाथ में अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है बेपनाह। अ स्किल इन टुडेस टाइम नीड्स टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव। पहले से अब मैं काम में बहुत फर्क हो गया, जब से ये कंप्यूटर का काम निकला तो इससे बहुत ज़रा सा फर्क पड़ा है। टेक्नोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी ने प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा मदद की है, चाहे वो आर्टिस्ट के तौर पर हो, चाहे वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के तौर पर हो। टेक्नोलॉजी से हमें बहुत फायदे हुए हैं, और जिन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है उनका बिजनेस यहाँ से यहाँ राइज है। कर ही रहा हूँ मैं पीछे नहीं भागा इस काम से। तो 120 जनों को मैंने काम सिखाया है, जिसमें 70-80 लेडीज हैं और 20-25 जेंट्स हैं। Technology has made India one of the world's fastest growing economies, but it has left families that haven't adapted behind. फर्क तो इतना पड़ा है कि बड़े से बड़े जो दुकानें थी हर जगह, नई सड़क पे और दरियागंज में, सब जगह चारों तरफ नई दिल्ली में, सबों ने वो दुकानें दे के काम ही बदल दिए। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, ये काम छोड़ ही दिया। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे आर्टिस्ट जो अनएम्प्लॉयड हुए, दरअसल उन्होंने उस चीज़ की अहमियत को समझा ही नहीं। एक आर्टिस्ट का और एक कंप्यूटर का जानना उसके लिए सोने पे सुहागा है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पहले ना हाथ से काम करते थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को जाना और आज उनका नाम उन गिने चुने डिज़ाइनर्स में है जो लीड करते हैं, और उनका काम की स्पीड कई गुना बढ़ गई। काम जो एक घंटे में होता था आज एक सेकंड में होता है, जो दिनों में होता था वो एक सेकंड में होता है। शकील may not be able to keep with speed, but that hasn't stopped his desire to work. जो हमारा अल्लाह की तरफ से वायदा है, जो हिसाब किताब बना हुआ है, वो उसको लेके मैं चल रही हूँ कि कोई ऐसी उलझने आई भी और नहीं भी आती। अगर 8 दिन उलझन आई तो 10 दिन काम आ जाता है, उसमें हिसाब पूरा हो जाता है। मिसाल तौर पे अब जैसे ये मैंने बनाया है, हाथ की कीमत अगर कोई इसका कदरदान आ जाए तो 1,001 रुपये भी दे देता है। जो कदरदान नहीं है, जिनको पता नहीं है, इसकी 250-300 रुपये की कीमत है। अमेरिका के कुछ लोग आए थे, अंग्रेज वगैरह, वो फोटो खींच के मुझे वो फोटो ले गए थे और बख्शीश भी दी थी, और उनको बड़ा पसंद आया काम मेरा और बहुत तारीफ करी। Man versus machine. We hear that every day. Robots will take over our job. So will we too suffer the same fate? के उर्दू के बहुत चाहने वाले आए यहाँ,
और मेरी जीत दरअसल हिंदी और उर्दू से रही है। पूरी एक आयत लिखी है वो बाहर गई है, अजमेर शरीफ आदिल कुर्सी पूरी लिखी है मैंने। शकील आर्टिस्ट का है कि ये बैनर से ताल्लुक रखते हैं, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अपनी उस सलाहियत को जाना नहीं। अगर वो साथ में कंप्यूटर के जरिए उन पोस्टर्स और बैनर्स को बनाते तो आज उनका बिजनेस कई गुना ज्यादा होता, बट उन्होंने उस सलाहियत को ब्लेंड नहीं किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। अगर वो उस सलाहियत को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देते और उसके साथ मिलकर काम करते तो उसके बेनिफिट्स वो खुद ही उठाते। So what is authenticity? Shakeel thinks it's working by hand. But for Javed, it's keeping up with time. पता चले इस ये काम जो है हाथ का ही रहेगा और जो नकल है वो नकल है कंप्यूटर की, जो हाथ है वो हकीकत है। अब जैसे फोटो है कैमरे का है, बोर्ड खींच गया बाहर आ गया दे दिया, और हाथ के बनाने में टाइम लगता है और उसकी कीमत है हाथ की। जो इसके चाहने वाले हैं वो आज भी मेरे पास आते हैं बनवाने और बनवा के ले जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। देखिए जहाँ तक आर्टिस्टों का ताल्लुक है, ये एक अलग तरह की इनकी एक दुनिया होती है और ये जो कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, जो मैंने बना दिया वो है, उसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उनके अंदर एक ईगोइस्टिक मामला था, जितने भी मेरे आर्टिस्ट मेरी नज़र में गुजरे कि भाई बस मुझसे अच्छा, क्योंकि उनका वो जो पीरियड चल रहा था वो गोल्डन पीरियड था। उस वक्त आर्टिस्टों की बहुत डिमांड थी और लोग जानते नहीं थे कि मुझे ये काम कराना है कैसे कराना है। एक तो स्पीड बढ़ी है, साथ में वॉल्यूम बढ़ा है। पहले वो एक दो बैनर बनाते थे, दिन भर में एक हाथ से कितने बना लेंगे, आज हम लाखों बैनर बना सकते हैं। आज हम कल ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी कि आप है ना रामलीला ग्राउंड को कवर करने के लिए किसी आर्टिस्ट से ना कहे कि साहब मुझे 100 फुट का ना बैनर बना के दे दीजिए, वो कर ही नहीं सकता था। तो वो लोग हमारे बड़े हैं, उनको उसी तरीके से हाथ से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत कंप्यूटर के, क्योंकि हमने कंप्यूटर को सीखा, ये अल्लाह ताला का हम पे करम रहा है कि हमारे दौर में कंप्यूटर आया तो हमने सीखा, हम उनसे फास्ट काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि उनसे चलाई जाते हैं। Many have shut down their business. More don't want their children to learn their skill. Machines have taken over. तो इस तरह से कोई ज़्यादा पोजीशन मेरी जो है ख़राब नहीं हुई, बाकी जो और लोग थे पेंटर लोग मायूस होकर काम छोड़ दिया, कोई अपने परिवार को नहीं सिखा रहा ये काम। आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रहा सिखाने पे कोई कोशिश नहीं करी तो ये हाथ का काम करने वाले ढूंढे से नहीं मिलेंगे।